सीतामढ़ी के तेलीपुरा परिसर से एक जिम ट्रेनर की खुदकुशी करने का मामला सामने आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस महिला जिम ट्रेनर ने अपने घर के आसपास के वातावरण से परेशान होकर खुद को फांसी लगा दी। जानकारी के मुताबिक मृतक योगिनी सतीश लाड़ेकर उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। योगिनी जिम ट्रेनर थी। योगिनी के माता पिता और परिवार गिट्टी खदान के मानवता नगर परिसर में रहते हैं। उसे अपने घर के आसपास का वातावरण अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से योगिनी अपना घर छोड़कर तेलीपुरा बुरड़ गली में पातलवंशी नामक व्यक्ति के मकान में किराए से रह रही थी। उसके साथ 3 युवतियां भी रह रही थी जो भी जॉब करती है। सोमवार को भी साथ ही रहने वाली युवतियां काम पर चली गई थी। योगिनी कमरे में अकेली थी। उसी दौरान उसने सीलिंग फैन से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली। उसकी सहेलियां जब काम पर से कमरे पर लौटी तो शाम करीब 6:30 बजे के दौरान उसे फंदे पर लटके पाया गया। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही सीतामढ़ी थाने के सब इंस्पेक्टर विजय निमाड़े अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि योगिनी को माइग्रेन और पेट की बीमारी थी और लंबे समय से उसका उपचार भी चल रहा था लेकिन आराम नहीं हुआ। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। दिनांक 26 जून रोजी संध्याकाळच्या वेळेला आम्हाला एका महिलेने आत्महत्या केल्याबद्दल माहिती मिळाली। तात्काळ पोलीस त्या ठिकाणी पोहोचले। पकोडेवाला गल्ली या ठिकाणी एका रूम मध्ये एका महिलेने एक गळफास घेऊन घेतला असल्याची आम्हाला माहिती मिळाली। या बाबतीत अधिक चौकशी केली असता सदर मृतक महिला ही 24 वर्षाची असून ती सदर रूममध्ये किरायाने एकटीच राहत होती। त्याच्यासोबत एक दोन मैत्रिणी होत्या। मैत्रिणी बाहेर गेलेल्या असताना तिने गळफास लावला होता, परंतु त्याआधी व्हॉट्सअपवरती दुर्बा एव्हरीवन असं स्टेटस टाकलं होतं। त्याचा काही संशय आले नाही। त्यांचे काही मित्रमंडळी त्या ठिकाणी आले, त्यावेळेला तिने गळफास लावलेल्या स्थितीत दिसले। तिला तात्काळ दवाखान्यात हलवले, परंतु उपचाराआधी डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले। सीतामढ़ी पोलीस स्टेशन मध्ये या बाबतीत मर्ग दाखल करण्यात आलेला आहे। या बाबतीत चौकशी चालू आहे। त्याच्यामध्ये तिने एक सुसाइड नोट सोडलेली आहे, त्याचाही अभ्यास चालू आहे। त्याचप्रमाणे तिच्या घरच्यांकडे चौकशी करून पुढील योग्य ती कारवाई करण्याची तजवीज करण्यात आली। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।